हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिंदास स्टडीज। तो बहुत अच्छी वैकेंसी आ रखी है बिहार म्यूजियम सोसाइटी रिक्रूटमेंट में। तो मतलब बिहार म्यूजियम सोसाइटी की, जो कि पटना में है, उसकी वैकेंसी बहुत ही अच्छी आ रखी है। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि देखिए ऊपर लिखा हुआ है बिहार म्यूजियम सोसाइटी रिक्रूटमेंट 2022। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये जो फॉर्म है वो कब कब से कब तक भरा जाएगा और कैसे भरा जाएगा और इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए इस पर लिखा हुआ है बिहार म्यूजियम वैकेंसी 2022 एप्लीकेशन फ़ी। तो देखिए जनरल बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लास और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर क्लास है उनके लिए 500 रुपये है, एससी एसटीज के लिए 250 रुपये है। और पेमेंट का मोड क्या होगा, ये डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर और बिहार म्यूजियम सोसाइटी पेबल एट पटना। मतलब कि आपको ये ऑनलाइन पैसे आप नहीं जमा कर पाएंगे, आपको इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा और किसके फेवर में, बिहार म्यूजियम सोसाइटी पटना के। ठीक है, इसके नाम से बनेगा आपका ड्राफ्ट। ठीक है, तो और आपको फिर ये कह रहा है कि एप्लीकेशन कैसे आप भर लिया, आपने अप्लाई कर लिया, उसके बाद फिर कैसे भेजेंगे। तो कह रहा है एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फ़ी एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल मस्ट रीच ऑन द एड्रेस गिवन बिलो और बिफोर 31 अक्टूबर 2022। मतलब सर टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं, एक महीने से ज़्यादा का टाइम है। तो 31 अक्टूबर तक का टाइम है आपके पास। आप इस एड्रेस पे टू द जनरल डायरेक्टर जनरल बिहार म्यूजियम सोसाइटी नेहरू पथ पटना एंड जो भी सब पिन कोड लिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सारी जो आपके सर्टिफिकेट्स होंगे उनको सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी खुद अपना सेल्फ अटेस्ट लिख के साइन करना है, और जो भी आपके टेस्टिमोनियल्स होंगे उनको भर के और उनको 31 तारीख तक के पहले, मतलब वहाँ 31 को पहुँच जाना चाहिए, पोस्ट कर देना है और ये जो एड्रेस है वहाँ पे। ठीक है, अब ये देख लेते हैं भाई किस किस पोस्ट के लिए आई है। तो बिहार म्यूजियम सोसाइटी रिक्रूटमेंट जो पोस्ट है वो देखिए आई है एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है, विजिटर सर्विस एंड मार्केटिंग के लिए एक पोस्ट है, आईटी मैनेजर के लिए एक पोस्ट है, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए भी एक है, एंड क्यूरेटरियल एसोसिएट कम यंग म्यूजियम प्रोफेशनल इसके लिए भी एक है। ठीक है, जो भी जिनको जिन्होंने भी म्यूजियम करा होगा या जिन्होंने आर्कोलॉजी करी होगी कि होपफुली ये उनके लिए होगा। ठीक है, क्यूरेटरियल जो भी है। फिर सीनियर केमिस्ट के लिए एक पोस्ट है, फिर केमिस्ट के लिए भी एक है, जूनियर इंजीनियर सिविल में एक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक में एक है, और डिज़ाइनर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में एक है, और ग्राफिक डिज़ाइनर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में एक है। मतलब कि बाकी हो सकता है परमानेंट है, पर ये डिज़ाइनर और ग्राफिक डिज़ाइनर की कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली है। ठीक है, फिर उन्होंने देखिए यहाँ पे दिखाया है कि इसका पे स्केल क्या होगा। तो एडिशनल डायरेक्टर का आपका दिखाया है 12 है, आईटी मैनेजर का पे स्केल 11 है, अकाउंट्स ऑफिसर का 11 है, और सबका नीचे देखिए दिया हुआ है कि किसका कितना है, कॉन्ट्रैक्ट पे भी ये कितना देंगे उन्होंने नीचे बता दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि कैसे भरना है। तो देखिए बिहार म्यूजियम सोसाइटी रिक्रूटमेंट 2022 जो इम्पोर्टेंट लिंक है वो मैं आपको वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। यहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, फिर आपको ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर क्लिक करना है, और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चाहें तो जा सकते हैं क्लिक करके और देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म में आपसे क्या क्या मांगा गया है। तो आपके पास टाइम तो पूरा एक महीने से ज़्यादा का है, तो आप चाहें तो आराम से इस फॉर्म को भर लें। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल साइट है जो अभी हम देख रहे थे। ठीक है, ये है इसकी साइट। तो आपको ऑफिशियल साइट का इन्होंने लिंक भी दे रखा है, हालांकि ऑफिशियल साइट में मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा, लेकिन आपको फॉर्म अगर डाउनलोड करना है तो इन्होंने जिस वेबसाइट पर मैं देख रही हूँ यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म पड़ा हुआ है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या आप सरकारी नौकरी या जॉब अलर्ट्स कहीं से भी देख सकते हैं। देखिए ये आपका नोटिफिकेशन है, इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, 2 पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, बाकी जो आपकी है परमानेंट है। ये पूरा नोटिफिकेशन है, ये पढ़ लीजिएगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कि आपको अपना ब्लॉक लेटर में नाम भरना है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप सिटीजन है कि नहीं इंडिया के, फादर्स नेम मदर्स नेम, एज यूजुअल जो पूछा जाता है वही सब है, कुछ नया नहीं। ठीक है, और कंडीशंस फॉर अप्लीकेशन, अब कंडीशन क्या है अप्लीकेशन की, ये आपको यहाँ पे ये भी डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, और किस एड्रेस पे भेजना, देखिए ये भी इन्होंने मेंशन किया थोड़ा, डायरेक्टर जनरल जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये जो भी फॉर्म है इस पे जो भी यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है जो भी पोस्ट आई हैं उनके लिए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री के हैं तो आपके लिए जो ये वैकेंसी है ना, जो आपका एसोसिएट कम यंग म्यूजियम प्रोफेशनल की है, इसमें आपको मास्टर डिग्री एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में मांग रहा है, या एशियन स्टडी या आर्कियोलॉजी या म्यूजियोलॉजी कुछ भी आपके पास हो।
विथ डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री और आर्ट और मास्टर फाइन आर्ट, मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट। मतलब ये उनके लिए अच्छा है जिन्होंने हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और कल्चर में, एशियन स्टडीज़ में, म्यूजियोलॉजी में इन्होंने मास्टर्स तो किया ही है, प्लस जिन्होंने म्यूजियोलॉजी आर्कियोलॉजी में डिप्लोमा भी करा है इन, और साथ में है ये 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आपके पास MS ऑफिस और MS डिग्री, आपको ये सब भी करने आता हो, ठीक है। तो अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं, अगर आप इनको फुलफ़िल करते हैं तो हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी वाले इसको भर सकते हैं। मेरा बेसिकली इस पोस्ट के बारे में बताने का यही मतलब था, ताकि आप हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी वालों के लिए, बेचारों के लिए कम पोस्ट आती है तो इसको आप भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जाइए और बिना टाइम वेस्ट किस फॉर्म को भर लीजिए, और भरने से पहले, कोई भी फॉर्म भरने से पहले उसकी जो एलिजिबिलिटी है ना वो ज़रूर देखनी चाहिए, तो वो चेक कर लीजिएगा। और अगर आपकी क्वायरी हो तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, टेक केयर, बाय।